नमस्ते, आज का वास्तु टिप नंबर 1, नौकर की दिशा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वास्तु के अनुसार धन संपत्ति के देवता कुबेर का स्थान घर की उत्तर दिशा की ओर होता है। इसीलिए मित्रों, अगर आप भी अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर को घर के उत्तर दिशा में रखेंगे तो इससे न केवल आपका धन सुरक्षित रहेगा बल्कि उसमें दिन दुगनी और रात चौगुनी वृद्धि भी होगी। वास्तु टिप नंबर 2, एक लौंग का कमाल। दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक लौंग ही आपके घर को लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बना देगा तो क्या बिना यकीन करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्तों। ये उपाय उन मित्रों के लिए खास तौर से बनाया गया है जो बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुसार धन या तो अर्जित नहीं कर सकते या फिर उनका कमाया हुआ धन उनके पास टिक नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, आप शुद्ध मन से एक लाल कपड़े में एक साबुत लौंग को बंद कर अपने धन को लॉकर में रख दे। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये बात किसी भी दूसरे व्यक्ति से शेयर ना करें, अपने जीवन साथी से भी नहीं। वास्तु के इस उपाय के बाद आपका धन आपके पास ही रहेगा। वास्तु टिप नंबर 3, स्वास्थ्य का चिन्ह। दोस्तों, आपको पता ही है स्वास्थ्य का चिन्ह धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर का प्रतीक है। इसीलिए मित्रों, यदि आप स्वस्तिक के निशान को अपने पूजा घर में सही जगह रखेंगे तो देखिएगा कि आने वाले समय में आप खुद ही धन कुबेर बन जाएंगे। वास्तु टिप नंबर 4, मिट्टी का घड़ा। दोस्तों, एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, उसमें पानी भर के घर के उत्तर दिशा में रख दीजिए। देखिए तो आपको कमाल के फायदे मिलते हैं या नहीं? आपके घर में धन की लगातार वर्षा होती रहेगी। बस दोस्तों, एक बात का ख्याल रहे कि यह घड़ा सुराही खाली ना हो, इसमें हमेशा पानी भरा रहना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए वास्तु टिप नंबर 5, पांचमुखी हनुमान की मूर्ति। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हनुमान भगवान संकट मोचन के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार वास्तु में पांचमुखी हनुमान की मूर्ति को भी धन संकट दूर करने के उपाय के रूप में जाना जाता है। मित्रों, यदि आप उत्तर दिशा में पांचमुखी हनुमान की मूर्ति को श्रद्धा पूर्वक स्थापित कर देंगे तो आपके जीवन से धन संकट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जरूर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।